Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. आज के लेक्चर में मैं MSc सेमेस्टर थर्ड का पेपर 13D का यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है जिसका टाइटल है ऑस्ट्रेकोडर्माई उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम ऑस्ट्रेकोडर्माई के जनरल कैरेक्टर्स, हैबिटेट, उनका ओरिजिन और क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेकोडर्माई जो हैं उनको हम जनरल कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो नंबर वन, ऑस्ट्रेकोडर्माई दे वर पॉपुलरली नोन एज आर्मर्ड फिशेस और बोनी स्किन्ड फिशेस। दे वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर्ड ऑन द अर्थ। नंबर थ्री, दे वर जॉलेस वर्टिब्रेट। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जबड़े नहीं पाए जाते थे। मोस्ट प्रिमिटिव एंड टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑस्ट्रेकोडर्म वॉज जेमोआइटिस। अब हम देखेंगे कि इनकी अकरेंस किस पीरियड में ये पैदा हुए थे। These ostracodermites, they were originated about 500 million years ago in late Cambrian period of Paleozoic era. Paleozoic era के late Cambrian period में आज से लगभग 500 million साल पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी। They lived up to Devonian period for about 200 million years and then they gradually became extinct. ये Devonian period के अंदर 200 साल तक तो जिंदा रहे और उसके बाद में ये एक्सटिंक्ट हो गए या विलुप्त हो गए। आजकल ये विलुप्त प्रजाति है। अब देखेंगे हम इनके आवास के बारे में या हैबिटेट के बारे में कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स थे दे वर फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले थे। दे वर बॉटम ड्वेलिंग, साफ पानी में भी नीचे बॉटम में पाए जाते थे। अब देखेंगे इनकी उत्पत्ति या ओरिजन। ऑस्ट्रेकोडर्म्स अकॉर्डिंग टू बेरिंगटन दैट यूरोकॉर्डेट्स वर एन एंसेस्टर्स फॉर ऑस्ट्रेकोडर्माई। बेरिंगटन के अनुसार जो यूरोकॉर्डेट जो हैं इन इसके एंसिस्टर हैं ऑस्ट्रेकोडर्म्स के। नंबर टू, द सिसाइल यूरोकॉर्डेट प्रोड्यूस्ड फ्री स्विमिंग टेडपोल। सम ऑफ दीज टेडपोल्स फेल्ड टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड दे बिकेम नियोनेट्स। सिसाइल यूरोकॉर्डेट से इनकी उत्पत्ति हुई है। सिसाइल मतलब जो सबस्ट्रेटम से अटैच पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये फ्री स्विमिंग लार्वा जो था उनका उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सका और वो नियोटिनस रह गए। थर्ड पॉइंट, दीज नियोटिनस फॉर्म्स दे रीच द रिवर थ्रू द एस्चुरीज एंड इवॉल्व एज ऑस्ट्रेकोडर्म। ये नियोनेट्स जो थे वो धीरे धीरे एस्चुरीज से नदियों में पहुंच गए और वहां पे इनका इवोल्यूशन हुआ। अब हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स देखेंगे। ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो थे दे वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, पहले वर्टिब्रेट्स थे। नंबर टू, दे वर पॉपुलरली कॉल्ड एज आर्मर्ड फिशेस। नंबर थ्री, दे वर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। इनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते थे। दे लिव्ड इन फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले थे। दे वर बॉटम ड्वेलर्स, ये पैदे में या तली में पाए जाते थे। बॉडी वॉज फिश लाइक, इनकी बॉडी कैसी थी, फिश लाइक थी। एंड डिड नॉट एक्सीड मोर देन 30 इन साइज। और इनकी साइज कितना था बॉडी का, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं था, छोटे थे। पेयर्ड फिन्स वर एब्सेंट, इनके अंदर मछलियों की तरह पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते थे। मीडियन एंड कॉडल फिन्स वर प्रेजेंट, मीडियल और कॉडल फिन्स पाए जाते थे। द कॉडल फिन वॉज हिट्रोसर्कल टाइप, कॉडल फिन जो था वो हिट्रोसर्कल टाइप का था। द हेड एंड द थॉरेक्स वर कवर्ड बाय हैवी आर्मर्ड ऑफ बोन्स। सिर और धड़ के ऊपर हैवी आर्मर बोन्स का पाया जाता था। इसका क्या फंक्शन था, दिस प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम जॉइंट स्कॉर्पियंस लाइक ऑर्थ्रोपोड। ये आर्मर इनको जॉइंट स्कॉर्पियंस से बचाता था। बोनी स्कल वॉज वेल डेवलप्ड, इनका बोनी स्कल बहुत डेवलप था। माउथ वॉज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, और मुंह जो था वो वेंट्रल साइड पे पाया जाता था। दे वर हैवी, दे वर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ गिल स्लिट्स, उनके ऊपर बहुत सारी गिल दरारें पाई जाती थी। द नर्वस सिस्टम हैज 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नर्वस सिस्टम के अंदर 10 पेयर क्रेनियल जोड़ियां पाई जाती थी। द हेड हैड अ पेयर ऑफ लेटरल आई, सिर के ऊपर एक लेटरल आई एंड द मीडियन पीनियल आई वर प्रेजेंट। दे वर फिल्टर फीडर्स, फीडिंग लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। द एंडोस्केलेटन वॉज आइदर बोनी और कार्टिलेजिनस। क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेकोडर्माई को चार ऑर्डर्स में बांटा गया है।
ये चार ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? यूफेनेरिडा, नंबर टू टीरेस्पिडोमॉर्फी, नंबर थर्ड ऑर्डर है सिफेलेस्पिडोमॉर्फी, नंबर फोर ऑर्डर है एनेस्पिडा। ये चार ऑर्डर्स जो हैं वो एस्ट्रेकोडर्माई के हैं, और इनके उदाहरण हैं, यूफेनेरिडा का उदाहरण है जेमोइटिस, दूसरा ऑर्डर अपना है टीरेप्सिडोमॉर्फी, इसका उदाहरण है टीरेप्सिस, थैलोडस, लेनार्किड एंड कोलियोडेल्पेस। थर्ड ऑर्डर है अपना सिफेलेस्पिडोमॉर्फिया, इस ऑर्डर का उदाहरण है सिफेलेस्पिस और हेमीसिफेलेस्पिस। फोर्थ ऑर्डर अपना है एनेस्पिडा, एनेस्पिडा का उदाहरण है बिकेनिया, टीरोलेस्पिस एंड रिंकोलेस्पिस।